मैं इसी पे आने वाला था कि जो ये 18 फरवरी को आप लोग क्लेम कर रहे हैं जिस तरह का हुआ, कैसे, थोड़ा सा आप थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था? क्योंकि मैं आपकी 21 फरवरी की जो रैली का पोस्टर देख रहा हूँ उसमें भी आपने लिखा है, पहला पॉइंट आपकी यही है मांग कि गुंडागर्दी करने वाले SOL प्रिंसिपल उमा शंकर पांडे को तुरंत बर्खास्त किया जाए। तो क्या आप इसे थोड़ा मुझे डिटेल में बता सकते हैं कि SOL के जो बाकी बच्चे हैं वो इस बात से समझ पाए और जुड़ पाए कि एक्चुअल में हुआ क्या था उस टाइम पे? मैं एकदम सिलसिलेवार तरीके से जी इसके बारे में जानकारी देता हूँ। स्टूडेंट्स का कुछ डिमांड उठ रहा था कि बिल्कुल अभी परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में ना कराई जाए, OBE मोड में कराई जाए, और ये मार्च वाली परीक्षा के लिए भी था और मई वाली परीक्षा के लिए था। इससे हमारे 18 फरवरी के प्रोटेस्ट से पहले हमने ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट SOL के पास प्रदर्शन किया, हमने सोशल मीडिया कैंपेन किया, उसके बारे में आपको मालूम चला होगा, बिल्कुल बिल्कुल तो ट्विटर या हमने उसको वायरल करने की कोशिश की, परंतु नहीं हो पाया वो, और वो मांगे हमने उसके माध्यम से भी उठाने की कोशिश की, परंतु जब हमको मालूम चला कि ये चीजें नहीं हो रही हैं ऐसे, तब हमें प्रदर्शन का रास्ता लेना पड़ा। तब हम प्रदर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे तो पहले तो वहां पे कोई मौजूद नहीं था बात करने के लिए, हमने आधा एक घंटा प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन करने के बाद फिर हमें मालूम चलता है कि यहाँ पे कोई बात करने के लिए नहीं है। मतलब ये बहुत ही अजीब सी बात है कि प्रशासन में छात्र समस्या लेके आए हैं आपके पास, प्रशासन के पास, और वहाँ प्रशासन में कोई बात करने के लिए, ये बहुत ही मतलब अजीब सी बात लगती है, या कि प्रशासन का कोई व्यक्ति ना हो। तो उस दौरान जो छात्र बहुत दूर दूर से आए थे, और वैसे भी छात्रों को जिनको स्टडी मटेरियल नहीं मिला था और लगातार उनको भविष्य की चिंता सता रही थी परीक्षा कैसे देंगे, तो उनको गुस्सा भी आया, तो कुछ छात्रों ने रोड जाम किया, छात्रों ने मिलकर। अब रोड जाम किया तो उससे जाहिर सी बात है कुछ समस्या तो होंगी, तो डेफिनेटली उसमें उसमें कुछ दो तीन गाड़ियां पास नहीं हो पाई, और इतने मजबूरी में प्रिंसिपल जी को आना पड़ा। ठीक है, प्रिंसिपल जी फिर आए, वो अंदर गए, और उसके कारण उन्होंने हमें, हमारे एक डेलीगेशन को, एक प्रतिनिधिमंडल को अंदर बुलाया बात करने। तो हमने कहा कि ठीक है, अच्छा, बात करने के लिए बुला रहे हैं, बात करते हैं, अपनी मांगे रखेंगे हम, जो जो मांगे हमारी। हम अंदर गए, हमारे साथ एक कांस्टेबल थे दिल्ली पुलिस के, हम अंदर गए तो गेट पे जैसे ही घुसे हम लोग अंदर, आपने नोटिस किया होगा कि आप जब SOL में आते हैं विश्वविद्यालय की तरफ से, तो एक आगे का गेट, यहाँ पे किताबों की दुकान लगती है जी और वहां से एंट्री होती है, वहां से एग्जिट होती है, एक बिल्कुल आगे बिल्कुल वाला जो है उधर से एंट्री देते हैं किताबें लेने के लिए, अंदर जाने के लिए। आप में गलत है कि लाइन लगा के आपको किताबें लेनी पड़ रही है, और उसके लिए भी आपको आई कार्ड दिखाना पड़ रहा है, तो अपने आप में मतलब स्टूडेंट्स को हैरेस करने वाली बात है कि सब सांप जैसी आपने लाइन लगा रखी है वहां पे इतना लंबा लंबा, और उसमें भी आपको तब घुसने दिया जा रहा है जब आई कार्ड दिखा रहे हैं आप। अब वहां पे हम लोग जैसे ही उस गेट में घुसे, ताला लगा दिया गया, हम दोनों से, जो हम दो साथी थे, दो स्टूडेंट थे, अंदर गए, उन्होंने हमसे हमारा आई कार्ड मांगा, मैंने आई कार्ड दिया, मेरा आई कार्ड छीन लिया। तो और जो मेरे साथ गए थे उनका फोन छीनने की कोशिश की गई, उनके फोन में आई कार्ड, तो उसको किसी तरह से रोका। फिर जैसे ही हमने कहा कि आप ये नहीं कर सकते, आई कार्ड तो आप नहीं छीन सकते ऐसे, तो बिल्कुल उसके बाद लगे वो लोग गाली देने, उधर से किसी को मारने, उधर से कोई माँ की गाली दे रहा है, उधर से कोई बहन की गाली दे रहा है। और फिर हमारे साथ जो कांस्टेबल गए थे, मैंने उनसे कहा कि देखिए, आपकी जिम्मेदारी पे आए हैं, आप ही ने कहा कि आपको मिलने के लिए बुलाया गया, आपकी जिम्मेदारी पे हम यहाँ आए, अब हम देखिए आपको कैसे करना है। कांस्टेबल की नहीं सुनी गई, कांस्टेबल बार बार ये कहते रह गए कि भैया गेट खोलिए, आप जाना है स्टूडेंट्स को बाहर। गेट नहीं खोला गया और वहीं पे पीटा गया, हाथ मरोड़ दिया गया, किसी को कोई पीछे से लात मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब वो गालियां, कुछ पंचेस तो गार्ड ने खुद रोक लिए, वो कांस्टेबल जी ने खुद रोके अपने शरीर पे, नहीं तो मेरा चश्मा टेढ़ा हो गया था, वो सारे पूरे धक्का मुक्की में वो सारा प्रकरण जो वहां पे हुआ। और फिर जब दोबारा जब वहां पे कांस्टेबल ने बात रखी कि आप बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे, बाहर जाने दीजिए ताला खोल के, तो उन्होंने कहा कि इनको अंदर लेके चलो। अंदर ले गया हमें प्रिंसिपल रूम में। अब जाहिर सी बात है, प्रिंसिपल है वो, और 2-3 हजार या 4-5 हजार बच्चों के प्रिंसिपल नहीं है, करीब 5 से 6 लाख बिल्कुल छात्रों है, तो उनका एक ओहदा है, एक पद है, उस पद की एक गरिमा है, एक इज्जत। हमको लगा था कि उस तरह से व्यवहार होगा हमारे साथ, क्योंकि प्रिंसिपल है वो। हम प्रिंसिपल रूम में जाते हैं और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये बहुत ही शर्मनाक था।
प्रिंसिपल रूम में हमारे पीछे पीछे 25 लोग घुसते हैं, करीब 25 से 30 लोग घुसते हैं प्रिंसिपल रूम में, और प्रिंसिपल हमारे सामने हैं और उनके सामने ये सारी चीजें हो रही हैं। हमें कहा कि यार कुर्सी पे बैठ जाओ, सारे बात कुर्सी पे बैठे, मेरा बाल खींचा, मेरे बगल में जो लड़के थे उनकी माँ को गाली दी, ठीक है, बीच बीच में फिर लगातार ये सारी बातें चल रही हैं, डांट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उधर से सामने भी प्रिंसिपल भी वो कम नहीं थे। और ये एक मैम ये मुझे भी सब नहीं समझ प्रिंसिपल आया के कि ये सामने कैसे प्रिंसिपल के ऑफिस में हो रहा है। हो रहा, प्रिंसिपल जी खुद गाली दे रहे हैं। और मुझे सीरियसली, मैं अभी तक इस बात को स्वीकारने में मुझे खुद को मतलब थोड़ा समय लग रहा कि प्रिंसिपल कोई कैसे कर सकता कि आपके सामने गाली दी जा रही है, आप उसमें इन्वॉल्व है। एक होता कि बाहर किया गया, उसमें आप नहीं थे, आपके बिल्कुल रूम में सब हो रहा है, ठीक है, और कांस्टेबल वहां पे है, कांस्टेबल के सामने हो रहा। आप सोच सकते हैं स्थिति कि अगर वहां कांस्टेबल नहीं होता तो उन्होंने क्या किया होता। और फिर मुझे, मैं चिल्लाया वहां पे, चिल्लाया कि आप सब यहाँ पे गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए यहाँ पे। मैंने कहा आप सब जिम्मेदार है इस चीज के, प्रिंसिपल जी को मैं, भी आपके सामने सारी चीजें हो रही हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे। फिर वहां से जैसे तैसे करके गार्ड जो कांस्टेबल थे वो हमें बाहर लाते, तो प्रिंसिपल से आपकी बात नहीं बाहर हुई। प्रिंसिपल से हमारी बात नहीं। उस माहौल में प्रिंसिपल जब खुद किस गाली तरह दे रहे बात हैं और करें? ठीक बाकी सब, किस तरह से बात कर सकते हैं बात। आप। फिर हम जैसे भी जैसे जैसे करके कांस्टेबल वहां से हमें बाहर लेके आए, बाहर गए गेट पे। फिर वहां पे क्या कि आप गेट खोलिए, बाहर जाना है हमें, गेट नहीं खोला गया। और अंदर से प्रिंसिपल जी आए, वो अनाउंस किए वहां पे कि हम लोग क्लासेस शुरू कर रहे हैं बच्चों की, जो हमारा एक डिमांड था कि हम लोग क्लासेस शुरू कर रहे हैं। वो सब हमारे सामने अनाउंस कर रहे हैं, हमको सब बदसलूकी हमारे साथ की गई, हम पे फिजिकल असोल्ट हुआ। और वो आप एक जो छात्र वहाँ किताबों के लाइन थे उनके लिए, उनके सामने अच्छी छवि बनाने के लिए आप अपना ये सारी चीजें अनाउंस कर रहे हैं, वो अलग बात है। हमें वहां से बाहर नहीं निकलने दिया गया, हमें कन्फाइन करके रखा गया, जो इलीगल है, जी और इस पे क्रिमिनल केसेस लगते हैं। हमको मजबूरी में गेट कूद के आना पड़ा, ठीक है। हमारे जो हमारे साथ गए थे जतिन, उनको उनका हाथ मोड़ा गया, उनके हाथ में उनके हाथ का मांस वांस फट गया है, उनके हाथ का भी प्लास्टर चढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि अभी हफ्ते भर आपको और रख। उसके बाद फिर हम बाहर आए और हमको गेट कूद के बाहर आना पड़ा। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने वहां पे जो पीसीआर को हमने कॉल किया कि ये कंप्लेन हमको दर्ज करनी है और ये स्थिति हमारे साथ हुई है, हमारे पे फिजिकल असॉल्ट हुआ है और इसका करना है, जिसके बाद हमारा एमएलसी हुआ। और एमएलसी के बाद फिर हमने जा करके वहां अपना कंप्लेन किया कि एमएलसी ये आपका वहां की मेडिकल जो चेकअप घटना, हुआ, राइट? जी मेडिकल लीगल केस है वो, जी ये पूरा जो घटना घटी वो ये घटना थी वहां पे। आपको लगता है अब पुलिस के द्वारा कोई एक्शन लिया जाएगा जिस ओहदे पे वो बैठे हैं? जी, पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि एक्शन लेंगे, पर अभी तो 6 दिन हो चुके हैं और आप ये समझ सकते हैं कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अगर, और इसमें लगे हुए लोग, ये एफआईआर दर्ज हो, अगर उसमें 6 दिन लग गया, आपके नाक के नीचे यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के नाक के नीचे चीजें हो रही है, इस दर्ज नहीं हो रहा है, एफआईआर नहीं हो रहा है, और 6 दिन हो गया, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। जाहिर सी बात है, उनका पोस्ट है, प्रिंसिपल का पोस्ट है, प्रिंसिपल की पोजीशन है वो, तो फिर भी हम लड़ेंगे क्योंकि ये गलत हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये सिंगल इंसिडेंट था जो हमारे साथ हुआ, ये आप ये सोचिए कि 150 बच्चे बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके प्रदर्शन करते हुए रोड पे किसी दो छात्रों के साथ मारपीट हो जाता है, एसओएल में, एसओएल के अंदर मारपीट हो जाता है, वो लोग नहीं डर रहे हैं। फिर तो सोचिए कि कोई ऐसे छात्र अकेला जाता होगा तो उसके साथ ये लोग क्या करते होंगे। मैं इससे पहले मैंने जिक्र किया था कि 2 दिन पहले एक छात्र घसीट के अंदर पीटा था, और वो वहां रोजाना का उन्होंने रोजाना का बना लिया, एक तरह से उनका गुंडागर्दी बढ़ गया कि स्टूडेंट्स कुछ बोलेंगे नहीं, अकेले आएंगे, इनको डरा धमका दिया जाएगा, अब ये पूछेंगे तो इनका कोई जवाब ना दो।
अब लाइनें लगाए रखो, लोग दो दो अपना दो दो 300 रुपये खर्चा करके आए और लंबी लंबी लाइनें लगाए स्टडी मटेरियल के लिए, और वो भी स्टडी मटेरियल जो पूरा नहीं है, तो पूरा नहीं, ये बहुत कंप्लेंट्स आते हैं जिम्मेदारी कि किसकी? सारी यूनिट्स स्टडी मटेरियल में अवेलेबल नहीं है, स्टडी मटेरियल पुराना बहुत ज्यादा है। ना हमने तो इनफैक्ट 2019 में जब CBCS आ रहा था, इनफैक्ट हमने केस किया था हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट में वो केस जीते थे कि जज कह रहा है कि आप भैया क्या स्टडी मटेरियल पढ़ा रहे हो, आप बच्चों को पिछले 30 साल पुराना स्टडी मटेरियल पढ़ा रहे हैं, वो मटेरियल में ऐसी स्पेलिंग मिस्टेक थी ना, मतलब मैं सीरियसली नहीं बता सकता, बहुत घटिया वो स्टडी मटेरियल था, उसको तो पढ़ के छात्र पास कैसे हो जाते हैं ना, उस पर रिसर्च किया जाना चाहिए, तो वैसे मटेरियल को पढ़ के छात्र पास हो जा रहे हैं,